हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जय एफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गोधरा, आपके एजुकेटर फॉर सी एस आर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सी एस आर नेट का कंप्लीट कोर्स हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप जे आर एफ अड्डा की एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी रजिस्ट्रेशन करवाने पे आपको एक कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999 फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 12 मंथ्स। सो गाइज, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी अभी यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि पीएचडी एडमिशन के लिए जो पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स की मनमानी चलती थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सी एस आई आर नेट का ही जो पर्टिकुलर स्कोर है वही आपके पीएचडी एडमिशन के अंदर भी काम आने वाला है। सो अब आप समझ सकते हैं कि सी एस आई आर नेट का जो वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ चुका है। नाउ डेफिनेटली, पहले क्या होता था कि जब आप सी एस आई आर नेट क्लियर करते थे तो अगर आपने जे आर एफ क्लियर कर लिया तो आपको जो फेलोशिप है वो मिलती थी पीएचडी ड्यूरेशन में, लेकिन पीएचडी एडमिशन डायरेक्टली सी एस आई आर नेट देने से नहीं होता था। अगर आपके पास जे आर एफ भी है तभी भी यूनिवर्सिटीज़ कोई ना कोई अपना खुद का एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे जिसके थ्रू बच्चों का पीएचडी के अंदर एडमिशन हो रहा था। सो अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जनरली अपनी मनमानी चलाती थी, अपने हिसाब से वो लोग एडमिशन्स लेते थे। सो अब ऐसा नहीं है, आपका जो सी एस आई आर नेट का स्कोर है उसके बेसिस पे अब पी एच डीज़ के अंदर एडमिशन होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सो डायरेक्टली सी एस आई आर नेट के स्कोर से ही पी एच डीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो पहले सिर्फ दो कैटेगरीज हुआ करती थी, जिसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी थी जिसके अंदर आपको जे आर एफ मिलता था पी एच डी ड्यूरेशन के लिए। सो वो जब आप सी एस आई आर नेट जे आर एफ क्वालिफाई कर लेते थे तो आपको जे आर एफ मिलता था। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी एल एस वाली, अगर आप सी एस आई आर नेट क्वालिफाई करते थे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती थी। सो अब इन्होंने तीन कैटेगरीज बना दी हैं। सो एक बार नोटिफिकेशन को ही हम ध्यान से देख लेते हैं। सो ये पब्लिक नोटिस है जो यूजीसी ने रिलीज किया है, और इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो नेट का स्कोर है दैट विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। सो अब अलग से कोई भी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स अपना पीएचडी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, और सी एस आई आर नेट का जो स्कोर है वही आपके पीएचडी एडमिशन में काम आने वाला है। सो इसमें आगे बताया गया है कि ये कोई मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है दैट द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स। सो गाइज, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए। और जून 2024 ऑनवर्ड्स, मतलब अब जो जून में आपका एग्जाम होने वाला है उसके बाद से जो नेट कैंडिडेट हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल होंगे तीन कैटेगरीज के लिए। और ये तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी है जिसके अंदर आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी विथ जेआरएफ, जेआरएफ पे आपको मिल जाता है अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है। सेकेंड इसके अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। सेकेंड कैटेगरी है जिसमें आपको पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी लेकिन जे आर एफ नहीं मिलेगा, अगर आपका जे आर एफ क्वालिफाई नहीं होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की शिप के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ भी मिलेगी। और जो थर्ड कैटेगरी है इसमें आपका अगर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी क्लियर नहीं हो रहा है, एल एस भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो भी एक थर्ड नई कैटेगरी यहाँ पे जनरेट की गई है जो पहले नहीं थी। और उसमें कहा गया है कि जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स ओनली, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने स्कोर के बेसिस पे वो पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज। नाउ इसको और थोड़ा ढंग से समझाने के लिए इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज का जो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अवार्ड ऑफ जे आर एफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो आपको पी एच डी में एंट्रेंस भी मिलेगा, पी एच डी के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने की तो किसी भी कैटेगरी में ज़रूरत नहीं है। सो पी एच डी के अंदर एडमिशन जे आर एफ के साथ मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी भी मिल रही है। सो ये तीनों यस हैं, जे आर एफ यस, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी यस, एंड पी एच डी के अंदर एडमिशन भी मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी के अंदर आपको जे आर एफ नहीं मिलेगा, सिर्फ एल एस यहाँ पे मिलेगा, और एल एस के साथ में, एल एस मतलब असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी, और साथ में पी एच डी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो थर्ड कैटेगरी है इसके अंदर आपको ना जे आर एफ मिल रहा है और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल रही है, आपको पी एच डी के अंदर एडमिशन के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सो ये तीन कैटेगरीज बनाए गए हैं। अब इसमें आगे और क्या डिस्क्राइब किया गया है,
कि अभी तक जो लाइफ साइंसेज के अंदर रिजल्ट आ रहा था दैट वाज ऑन परसेंटाइल बेसिस, सो परसेंटाइल के साथ में आपके जो मार्क्स ऑब्टेन है, जो आपका रॉ स्कोर होगा उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा, और उस रॉ स्कोर के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी के अंदर एडमिशन देंगे बच्चों को. तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे हैं उन लोगों को डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिलेगा एक इंटरव्यू के बेसिस पे. सो उनका सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे उनका डायरेक्टली यहाँ पे पीएचडी के अंदर एडमिशन हो जाएगा. जो कैटेगरी सेकंड और थर्ड में फॉल कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 70% वेटेज है वो उनका जो नेट का स्कोर है वो उसको दिया जाएगा, और उसके बाद में 30% वेटेज जो है उनके इंटरव्यू को दिया जाएगा. 30% वेटेज उनके इंटरव्यू में जो भी उनका स्कोर रहता है उसको दिया जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके उसके बेसिस पे एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा. सो ये पूरा एक न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है. नाउ जो मार्क्स ऑब्टेन है नेट के अंदर फॉर द कैटेगरीज सेकेंड एंड थर्ड विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी. सो 1 साल के लिए आपके लिए एलिजिबल रहेगा जो स्कोर है पीएचडी में एडमिशन के लिए. और इससे रिलेटेड जो भी और जानकारी है आप लोग UGC.gov.in के ऊपर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन डाला गया है. सो गाइज बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं. आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होने वाला है कि आप अलग से कोई और पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, और इसी एग्जाम के बेसिस पे पीएचडी के अंदर एडमिशन भी अब होने वाले हैं. सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अभी भी 2-3 महीने का टाइम है, आप लोग शुरू कर सकते हैं. और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं आपको और भी खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि डायरेक्टली पीएचडी के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा. सो होता क्या था पहले कि जो बच्चे जेआरएफ भी लेके बैठे हुए थे उन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा था, उनके लिए भी उतने ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे और उनके लिए एडमिशन लेना मुश्किल था, जो अब बहुत ही आसान हो जाने वाला है. सो अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो ऑल दो जो पीएचडी एडमिशन के लिए कोर्स आता था वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा था, बट स्टिल ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी. अलग अलग फॉर्म्स बार बार भरो, ध्यान रखो किस यूनिवर्सिटी में कब फॉर्म निकल रहे हैं और उनके फीस पे करो, वो सारा जो प्रोसेस है अब आप लोगों के लिए आसान हो चुका है. कोई और एंट्रेंस एग्जाम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल जाएगा. और अगर आपके पास जेआरएफ आ जाता है और जेआरएफ के साथ में आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो जब तैयारी कर रहे हैं तो जम के बहुत अच्छी वाली तैयारी करें सो दैट यू डायरेक्टली गेट एडमिशन इन टू अ गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप अच्छे लेवल का पीएचडी यहाँ पे करके निकल सकें और एक अच्छा करियर आपका बन सके. सो गाइज दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. एंड अगर आप लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करना चाहें CSIR नेट लाइफ साइंसेज के तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. डेली 5 PM आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके मैं आती हूँ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके CSIR नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम डिस्कस करते हैं. सो गाइज दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो.